इन छुट्टियों में अंग्रेजी सीखें मेरे साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10th CBSE बोर्ड संस्कृत के षष्ठ पाठ, जिसका नाम है साधु वृत्तिम समाचरित, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला ही खंड संस्कृत के प्रश्न पत्र का पहला ही खंड आता है कि गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए खंडों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको एग्जाम में जाने से पहले अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ। ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको इन खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहला खंड है एक पदिनोत्तरतः, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कुमारस्य नाम किम आसीत्, प्रचन्न भाग्यस्, दुष्टबुद्धिना किमर्थम ग्रामांतरम प्रस्थितः, धनहरणार्थम, यानी कि लूटने के लिए, धन लूटने के लिए। दूसरा खंड होगा पूर्ण वाक्यनोत्तरतः, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह कुत्र च निरतः संजातः, तो उत्तर है प्रचन्न भाग्य दुष्टबुद्धिनाम्ना चौरेण सह चौर्य कर्मणि निरतः संजातः, तौ कुत्र प्रस्थितौ तौ कस्यचित् श्रेष्ठिनः गेहे ग्रामांतरम प्रस्थितौ। तीसरा खंड होगा प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर आपको लिखना है। इसमें पांच प्रश्न होंगे, कोई भी चार आपको करना है। एकस्मिन् समय इति अर्थे अत्र किम अव्ययपदं प्रयुक्तम, तो उत्तर है एकदा, संजातः इति पदे का मूल धातु, तो जन इसमें मूल धातु है। शैशवावस्थायाम इति अर्थे के पदे प्रयुक्ते, बाल्ये वयसि, बाल्ये वयसि इति अनयः पदयः विशेषण पदम किम, तो उत्तर है बाल्ये। अगला प्रश्न है श्रेष्ठिनः इति पदे कः प्रत्ययः, उत्तर है इन। देखते हैं दूसरे गद्यांश को, ये गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए खंडों की प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला खंड है एक पदेनोत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशः बालकः उवाच उद्दण्डः, गर्ति पतिता पतित्वा कश्चित् किम् अनुभवेत् क्लेशम्। अगला खंड होगा पूर्ण वाक्यनोत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तौ बालकान् किम् अवदताम, तो उत्तर है तौ बालकान् अवदताम, भू भू बालकाः कथमत्र नतुर्नते विषमे मार्गे क्रीडथ, यदि कश्चित् गर्ते पतेत् तर्हि स विकलांगो भूत्वा चिरं क्लेशम् अनुभवेत्। अगला खंड होगा प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। व्यक्ता इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, उत्तर है परित्यज्य। उद्दंडः बालकः अनयः पदयः विशेष्य पदम किम, तो उत्तर है बालकः। विषमे मार्गे इति अनयः पदयः विशेषण पदम किम, विषमे। अवदताम इति क्रियायाः कर्ति पदम किम, उत्तर है त्वौ दुष्टबुद्धि प्रच्छन्न भाग्यौ। पांचवा प्रश्न है कुपथम इति पदस्य विपर्यय पदम किम, तो उत्तर है सुपथम, यानी कि कुपथम का विलोम शब्द सुपथम होता है। आगे देखते हैं तीसरे गद्यांश को, ये एक तीसरा गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहला खंड होगा एक पदनोत्तरतः, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। कीदृशः प्रच्छन्न भाग्यः अचिन्तयत् प्रतिहतान्तः करणः, कः स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः प्रच्छन्न भाग्यः। पूर्ण वाक्यनोत्तरतः दूसरा खंड होगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सह दुष्टबुद्धिं किम् अवदत्, सह दुष्टबुद्धिं अवदत् सखी, यदि माम मित्रस्थाने परिगणयसि तर्हि साधुजन गर्हितम् इमं पंथानं त्याजतु भवान्। दूसरा प्रश्न है बुद्धिमती का आसीत्, प्रच्छन्न भाग्यस्य पत्नी बुद्धिमती आसीत्। तीसरा खंड होगा प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है त्याजतु क्रियापदस्य कर्तिपदं किम्, भवान् चक्षुषी इति पदं कस्मिन् वचने अस्ति, द्विवचने यानी कि दूसरे वचन में। अधुना इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम संप्रति, धर्ममति ही इति कस्य विशेषणम प्रच्छन्न भाग्यस्य। अगला प्रश्न है अक्रंदत इति क्रियायाः कर्तिपदं किम्, उत्तर है सह प्रच्छन्न भाग्यः।
अगला खंड है दो श्लोकों के साथ, ये एक गद्यांश है। तो इनको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसमें भी तीन खंड होंगे। पहला खंड होगा एक पदेन उत्तर, अथवा एक पद में उत्तर दीजिए। किम प्राप्य जनाः दुखी भवन भवति व्यसनम श्रमेण सह कियत धनम अर्जितवान प्रभुतम। दूसरा खंड है पूर्ण वाक्योत्तर, अथवा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क्रंदन कस्य वर्धते यह व्यसनम प्राप्य मोहात् केवलम परिदेवयत तस्य क्रंदनम वर्धते। कह कलकार्य कर्तुम प्रारभत। तो उत्तर है प्रच्छन्न भाग्य कलकार्य कर्तुम प्रारभत। तीसरा खंड होगा प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है रोदनम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। उत्तर है क्रंदनम। अत्यधिक इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। उत्तर है प्रभूतम। शांतचित्त इति कस्य विशेषणम प्रच्छन्न भाग्यस्य। कारणम इति पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः। उत्तर है हेतु। अगला है अर्जितवान इति क्रियायाः कर्तृपदं किम। तो उत्तर है स प्रच्छन्न भाग्यः। इसी प्रकार ये भी एक गद्यांश है। इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आप अच्छे से देख लीजिए इसको। इस पाठ के हमने हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आपको अगर इसकी हिंदी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस खंड में तीन खंड होंगे। पहला खंड होगा एक पदेनोत्तर, अथ एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कह धनागम वृत्तांतम श्रुतवान दुष्ट बुद्धि ही चौरह कम गृह क्षिप्तवान कलशम। पूर्णवाक्योत्तर, अथ पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। क्षेत्रे किम विद्यते क्षेत्रे अश्वत्थ तरुमूले सुवर्णपुरितः कलशः विद्यते। दुष्ट बुद्धि ही किम पश्यति दुष्ट बुद्धि ही एकम भयंकरम विषधरम फुत्कारम कुर्वन्त पश्यति। अगला खंड है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तर उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। कोई भी चार आपको करना होगा। तस्मिन् एव काले इत्येषु विशेषण पदम किम। तो उत्तर है तस्मिन् शीघ्रम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। उत्तर है शीघ्र यानी कि झटिति झटपट से। आप ध्यान रखिए इसको। तो झटिति इसका सही उत्तर है। इच्छन इति पदे का मूल धातु। तो उत्तर है ईश। तयोः इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगः काभ्याम अवदत्। यानी कि तयोः इस सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए हुआ। तो उत्तर है प्रच्छन्न भाग्याय भार्यायै च। यानी कि प्रच्छन्न भाग्य और उसकी पत्नी के लिए। पांचवा प्रश्न है भित्तौ इति पदे का विभक्ति। यानी कि भित्तौ इस पद में क्या विभक्ति है। तो उत्तर है सप्तमी विभक्ति। तो ये था हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पाठ में से जरूर आएंगे। आप इसको अच्छे से देखकर जाना। तो इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।